कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हो, आप लोग पढ़ चुके हो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास एक मेटल होता है, आपके पास कुछ लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा, साथ में आप लोगों ने लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन को भी देखा। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर हसाब कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वो भी आप लोगों ने पढ़ा। एंड देन आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रो न्यूट्रल प्रिंसिपल, एंड साथ में आप लोगों ने इनकी एप्लीकेशन भी देखी। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट किया था बॉन्डिंग थ्योरीज को, और सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी वर्नर थ्योरी, और वर्नर थ्योरी आपके पास क्या होती है उसके बारे में बात की, साथ में आप लोगों ने उससे कुछ लिमिटेशंस पढ़ी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने आगे की थ्योरीज, यानी कि हम पढ़ेंगे VBT और CFT। लेकिन उसके जस्ट पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपके पास कितने कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, और आपके पास अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कौन कौन सी शेप आपके पास पॉसिबल है, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हेलो गाइस, वेलकम टू आरजे एकेडमी, दिस इज लेक्चर नंबर 11 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं डोंट वरी, मैं आपको ऊपर यहाँ पर कहीं आई बटन दे दूंगा, या फिर आप जा सकते हो डायरेक्टली आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपको जस्ट जाना है प्ले लिस्ट सेक्शन के अंदर, वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अलग से एक प्लेस देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से आपको ऑन करना है, कान में जस्ट ईयरफोन लगाने हैं, बातों को आपको सुनते जाना है, आपको चीज़ें जो है वो अपने आप समझ में आती रहेगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से ही हम लोग यहाँ पर चीज़ें कवर करते हैं, और बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे आप लोग तैयारी कर रहे हो CSIR नेट एग्जाम की, IIT जेएम एग्जाम की, गेट एग्जाम की। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं इस चैनल के ऊपर, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। साथ में जितने भी आपके पास PYQs हैं इन सभी एग्जाम की जो मैंने बात की है, चाहे IIT जेएम की बात की हो, CSIR नेट की बात की हो, गेट की बात की हो, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं डेफिनेटली आपको इस कोर्स के अंदर कराने वाला हूं, लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग बेस यहां पर स्ट्रांग कर लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि आखिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं, मेटल्स हैं, लिगेंड्स हैं, तो आपने मेटल के बारे में पढ़ा, लिगेंड के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशंस आप लोगों ने सीखी, साथ में आप लोगों ने पढ़ा हसाब कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, आप लोगों ने इनकी एप्लीकेशंस भी देखी, फिर आप लोगों ने पढ़ी वर्नर थ्योरी। तो जितना भी आपके पास पोर्शन अभी तक कवर हुआ है ना, इनके ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको आगे जाकर कहीं ना कहीं कराऊंगा, लेकिन ये सारा पोर्शन आपके पास बेसिक्स है, और आज जो हम पढ़ेंगे ये भी आपके बेसिक्स के अंदर ही आएगा। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या पॉसिबल है, क्या 0 पॉसिबल है, क्या 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 5, 6, 7, 8, 9 कौन कौन से इसके अंदर से पॉसिबल है, और कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस। अब लेट्स से कि आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स है जिसका आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये कौन कौन सी शेप रख सकता है, क्या ये ऑक्टाहेड्रल रख सकता है, क्या ये आपके पास प्लेनर हेक्सागन रख सकता है, क्या ये आपके पास ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक रख सकता है, राइट। तो आपके पास अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कौन कौन सी शेप आपके पास पॉसिबल है, अभी हम लोग जस्ट उसकी बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने VBT को नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने अभी तक CFT को भी नहीं पढ़ा है, तो काफी सारी ऐसी चीजें होंगी आज, काफी सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आपने आज तक ना पढ़े हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो, लेकिन एक हल्का फुल्का आइडिया आपको रहता है कि आखिर CFSE क्या होती है। अगर आपको पता है कि CFSE क्या होता है, ये हम बेसिकली पढ़ते हैं CFT के अंदर, लेकिन अगर आपको हल्का सा आइडिया है तो आज का लेक्चर भी आपको पूरा समझ में आने वाला है, लेकिन अगर आपको आज का लेक्चर समझ ना आए तब भी आपको इस लेक्चर को पूरा देखना है, क्योंकि जो बातें मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं इन बातों का मैं आगे जाकर बहुत ज्यादा यूज करूंगा। तो जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा, जो बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी आई होप कि आप लोगों ने BSc के अंदर, MSc के अंदर कहीं ना कहीं CFT को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, VBT को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कुछ कुछ चीजें आपको पता होंगी। अगर आपको नहीं पता है तब भी डोंट वरी, अगर आप इस टाइम BSc में हो तो आपने डेफिनेटली नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको इस कोर्स के अंदर सब कुछ डेफिनेटली समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखी हुई आज की हेडिंग, दैट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ अपनी पहली लाइन। तब तक आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं आज अकेडमी के ऊपर तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को आपको जरूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए जैसे ही मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, राइट। तो आई होप कि आपने लाइक कर दिया होगा, साथ में शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इन फ्री लेक्चर्स का एडवांटेज या फिर बेनिफिट उसका उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर को। पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयंस कैन रेंज फ्रॉम 0 to at least 9, यानी कि आपके पास मेटल कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और इनके बीच में जितने भी आपके पास इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्सेस रख सकता है। इन जनरल द डिफरेंसेज इन एनर्जी बिटवीन डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड्स आर ग्रेटेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्सेस विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डिक्रीजेज एज द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज।
अब ये जो लाइन मैंने आपके सामने भी पढ़ी है, हो सकता है कि आपको समझ में ना आई हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो पहले हम लोग ज़रा एक बार इसी को ही समझ लेते हैं। अज्यूम करते हैं, लेट्स से आपके पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक का आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2 है, और एक का आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है, मान लेते हैं कि लिगेंड आपके पास यहाँ पर कोई एक सिंपल एल है, मेटल आपके पास एम है, तो उसकी शेप क्या होगी? आप सब मुझे बता दोगे कि सर बीच में आपके पास यहाँ पर मेटल रहेगा, एक लिगेंड आपके पास यहाँ पर रहता है और एक लिगेंड आपके पास यहाँ पर रहता है, यानी कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो उसकी शेप आप लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हो। लिगेंड आपके पास कैसे रहेंगे यहाँ पर 180 डिग्री आपके पास यहाँ पर दूर दूर रहते हैं, ताकि इनके बीच में रिपल्शन बिल्कुल कम हो। ध्यान करो, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी वेस्पर थ्योरी, जहाँ पर आप लोग अलग अलग स्टेरिक नंबर के साथ आप लोग वहाँ पर उनकी शेप को, उनकी ज्योमेट्री को आप लोग ड्रॉ करते हो, और वो ज्योमेट्री बेसिकली उस बेसिस के ऊपर होती है कि आपके पास रिपल्शन बहुत कम रहें, राइट, यानी कि आपके पास जितना हो सके वो उतना दूर दूर रहें। तो अगर आपको दो लिगेंड को किसी एक मेटल के साथ लगाना है और उनको बिल्कुल दूर दूर रखना है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी होती है एक ये वाली। लेकिन अगर आप चाहो तो बना तो उसको आप ऐसे सकते हो, जैसे कि आपके पास यहां पर क्या है, बीच में एक मेटल है, एक लिगेंड आपके पास यहां पर है एंड सेकंड आपके पास यहां पर है, यानी कि अब आपके पास यहां पर ये बोन एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री का, आपके पास यहां पर क्या है, ये बोन एंगल है, यहां पर बस कितना है 180 डिग्री का आपके पास बोन एंगल है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो शेप आप लोग ये पढ़ते हो, लेकिन हो तो ये भी सकती है, क्या पता ये भी हो सके, राइट। तो ये वाली शेप क्यों नहीं होती है? बेसिकली आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता है दोनों लिगेंड्स के बीच में, और आप इन दोनों में से इस शेप को बिल्कुल ही आप क्या कर देते हो, नेगलेक्ट कर देते हो, ये आपके पास नहीं होगी और आपके पास यही वाली शेप होने वाली है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इन दोनों जो आपके पास ज्योमेट्री है, ये आपके पास जो शेप है, ये आपके पास जो शेप है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी रहेगी, तो ऊपर वाली रहेगी। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर ये आपके पास कम स्टेबल है, अगर आपके पास नीचे वाला कम स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की, तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए मैंने जो यहाँ पर दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इन दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का जो एनर्जी गैप है बीच का, ये आपके पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए एक को आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हो और सिर्फ इसी को एक्सेप्ट करते हो, और आप आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ लीनियर शेप को ही पढ़ने वाले हो, इसको आप लोग नहीं पढ़ते हो। लेकिन अगर आपके पास उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, लेट्स से 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर आपके पास 3 अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। मैं अभी बात कर लेता हूं सिर्फ दो की, एक आपके पास होती है ऑक्टाहेड्रल भी, राइट, और एक आपके पास हो सकती है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी। किस टाइप का दिखता है उसके बारे में आप लोग थोड़ी देर के अंदर बात करने वाले हैं, लेकिन लेट्स से कि ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप है और ये आपके पास क्या है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है। जिस तरीके से आपके पास यहां पर ये दो शेप थी और इनके बीच में जो आपके पास एनर्जी गैप था वो काफी ज्यादा था, एक की एनर्जी बहुत कम थी, एक की बहुत ज्यादा थी, तो ज्यादा वाले को आपने नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आपके पास जो पॉसिबल शेप्स हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफी कम होता है, इसीलिए आप वहां पर एक को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, बल्कि आप ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक दोनों को ही लेकर चलते हो। अब इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ूंगा और आप उसको समझने की कोशिश करना। मोटी बात यहां पर कही गई है कि जैसे जैसे आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होते हैं, जैसे आपके पास यहां पर 2 है, यहां पर 6 है, तो जो आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट्स के बीच में आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस है वो लगातार डिक्रीज होता रहता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स का जो एनर्जी गैप है ये आपके पास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उस केस में आपके पास जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वापस क्या होता है, काफी कम होता है। इसीलिए कुछ कॉम्प्लेक्स इस स्टेप में रह देंगे, कुछ आपके पास इसके अंदर रहेंगे, वो जो भी आपके पास पॉसिबिलिटीज है उसके अंदर वो रह सकते हैं। अब एक बार मैं आपके सामने इस लाइन को दोबारा से पढ़ता हूं, आई होप कि अब आपको वो क्लियर हो जाएगी। लाइन क्या है, इन जनरल द डिफरेंसेज इन द एनर्जी बिटवीन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स आर ग्रेटेस्ट फॉर द कॉम्प्लेक्सेज विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि आपके पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उस केस में आपके पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होता है, एंड डिक्रीजेस एज द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। जैसे आप जाओगे 2 से 3 के अंदर, आप जाओगे 3 से 4 के अंदर, आप जाओगे 4 से 5 के अंदर, आप जाओगे 5 6 के अंदर, तो जैसे जैसे आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपके पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं उनके बीच में जो आपके पास एनर्जी बैरियर है उनका भी आपके पास जो डिफरेंस है वो भी कम होता रहता है, एंड डिक्रीजेस एज द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। यूजुअली 1 or 2 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर ही पॉसिबल
पॉसिबल है, वहाँ पर सिर्फ वो सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है। आप जाओगे फोर के अंदर तो वहाँ पर आपके पास टेट्राहेड्रल भी है, वहाँ पर आपके पास स्क्वायर प्लेनर भी है। आप जाओगे सिक्स के अंदर आपके पास वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है, आपके पास वहाँ पर प्लेनर हेक्सागन भी होता है। तो आपके पास वहाँ पर क्या होती है, पॉसिबिलिटी और भी इंक्रीज होती रहती है। अगर आप लोग जाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर नाइन के अंदर तो वहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, और भी कई आपके पास वहाँ पर शेप्स आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके पास एक बहुत बेसिक सी बात है जिसके अंदर बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होंगी। वेयर एज सेवरल डिफरेंट एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्सेस विद हायर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। यानी कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स से ज्यादा होगा, सेवन होगा, एट होगा, नाइन होगा, तो इस केस में पास क्या होती है, अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है। और आपके पास जो अलग अलग पॉसिबिलिटी है इनका जो आपके पास होता है एनर्जी, वो ऑलमोस्ट आपके पास क्या होते हैं, इक्विवेलेंट उनकी एनर्जी होती है। तो वहाँ पर आपके पास सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको प्लीज़ समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट भी कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड स्ट्रक्चर्स फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 0 to 9। यानी कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 0 कौन कौन से रखते हैं, 1 कौन से रखते हैं, 2 कौन से रखते हैं, कौन कौन से मेटल सेंटर 0 को बनाना चाहेंगे, 1 को बनाना चाहेंगे, 2 को, 3 को, तो जरा उनकी हम लोग यहां पर थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। हम कुछ नए नए वर्ड्स यहां पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम बात करने वाले हैं लो स्पिन की, हम बात करने वाले हैं हाई स्पिन की, हम बात करने वाले हैं CFSA की। ये तीनों चीजें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें कहीं ना कहीं सुना हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी सुना हुआ है तो फिर भी आप लोग इसको सुनते रहिए और आपको चीजें जो है वो और भी क्लियर हो जाएंगी। साथ में अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को पढ़ लिया है तो केमिकल बॉन्डिंग में आपके पास होती है वेस्पर थ्योरी, और वेस्पर थ्योरी के अंदर आपके पास जितनी भी शेप्स आप लोगों ने पढ़ी है वही ऑलमोस्ट वैसी ही शेप्स आपको यहां पर भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि वहां पर भी आपको क्या करना पड़ता था, रिपल्शन वहां पर आपको कम करना है, यहां भी आपको क्या करना है भाई, रिपल्शन आपको कम करना है। तो आपको जो शेप्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगी। सो मैनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स शुड बी फेमिलियर एज वी हैव स्टडीड सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इनके वेस्पर मॉडल, बिकॉज दे कोरस्पॉन्ड टू द लोवेस्ट एनर्जी अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड ए सेंट्रल एटम। यहां आपके पास क्या होता था भाई, एक सेंट्रल एटम है और साथ में पास क्या होता है, यहां पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर होते थे, यानी कि जो आपके पास बॉन्ड पेयर है उनको मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहा हूं। तो वो आपके पास इस तरीके से अरेंज होते थे कि आपके पास वहां पर क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो, यानी कि उसकी एनर्जी क्या हो, बिल्कुल लोवेस्ट हो। सेम उस तरीके से आपके पास यहां पर क्या होगा, मेटल होगा, लिगेंड, लिगेंड होगा, और लिगेंड को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर आए उसको आपके पास क्या हो, बिल्कुल लोवेस्ट एनर्जी का हो। तो कुछ शेप्स आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलने वाली है। अब शेप्स आप लोग यहां पर दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, एक आपके पास होती है कि आपके पास जो ये वाली शेप है ये स्टेरिकली फेवर्ड है, एक आपके पास होती है इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिकली फेवर्ड, कि भाई जैसे कि मान लो आपके पास क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा मेटल को, यहाँ लगाऊंगा लिगेंड, यहाँ पर लगाऊंगा लिगेंड, एक आपके पास ये शेप हो सकती है, एक आपस होती है मैं लगाऊंगा यहाँ पर मेटल, एक आपके पास लिगेंड यहाँ पर है, एक आपके पास लिगेंड यहाँ पर है, तो इतना एरिया यहाँ पर देखो खाली है, राइट। यहाँ पर देखिए जितना एरिया आपके पास यहाँ खाली है उतना आपके पास क्या यहाँ पर खाली है, और जो लिगेंड है क्या है, एक दूसरे बिल्कुल दूर दूर है, इससे ज़्यादा दूर दूर ये हो नहीं सकते। यानी कि लीनियर में आपके पास यहां पर क्या होता है भाई, 180 डिग्री एंगल होगा, यहां पर क्या होगा 180 डिग्री एंगल होगा, यानी कि आपके पास जो लिगेंड से क्या है बिल्कुल एक दूसरे से फार अपार्ट है, आपके पास यहां पर क्या है बिल्कुल मिनिमम रिपल्शन है। हालांकि इस वाली शेप के अंदर आपके पास क्या है, रिपल्शन यहां पर ज्यादा होने वाला है लिगेंड्स के बीच में, लिगेंड पास पास है। अगर मैं इस लिगेंड को यहां से इधर कर दूंगा और ऐसे लगा दूंगा लिगेंड को, तो आपके पास क्या हो रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो साइड ग्रुप्स लगे होते हैं, अगर वो इस तरीके से अरेंज हो जहां पर आपके पास क्या मिल रहा हो, मिनिमम रिपल्शन मिल रहा हो, उस टाइप के स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हो, कि वो कैसे होते हैं, स्टेरिकली फेवर्ड होते हैं। साथ में कुछ आपके पास स्ट्रक्चर ऐसे भी होंगे जो कि आपके पास स्टेरिकली फेवर्ड नहीं होने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कि आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, आपने उसको कहीं ना कहीं सुना होगा, एक आपके पास पॉसिबिलिटी होती है भाई टेट्राहेड्रल, राइट। आई होप कि आपने टेट्राहेड्रल शेप को देखा होगा, वो आपके पास कुछ इस टाइप की होती है। मैं पहले भी आपको ये शेप जो है वो दिखा चुका हूं। यहां पर आपके पास एंगल क्या होता है, 109.28 मिनट का आपके पास होता है, और चार साइड ग्रुप्स को अगर आपको किसी सेंट्रल मेटल के एटम के ऊपर लगाना है तो 109 डिग्री से ज्यादा एंगल आप वहां पर नहीं कर सकते हो। ये आपके पास क्या है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी का स्ट्रक्चर है, जो कि आपके पास स्टेरिकली हिंड्रेंस यहां पर आपको बिल्कुल सबसे कम देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत तो यहां पर भी होगा, लेकिन इससे ज्यादा कम आपके पास यहां पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी आपको कभी कभी दिखाते हैं, वो कैसे ज्योमेट्री
ज्योमेट्री होती है भाई आपके पास, कुछ ऐसी आपके पास होगी स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री भाई, है ना। आपके पास यहाँ पर ऐसे एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री एंगल होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या हो गया भाई, चार लिगेंड्स हैं जो आपने कैसे लगा दिए, एक बिल्कुल इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। हालांकि अगर मैं इसको 109 पे लेकर जाऊंगा तो आपके पास क्या रहेगा भाई, कम हिंड्रेंस रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं इनको 90 डिग्री के ऊपर लेकर आ चुका हूँ तो हिंड्रेंस यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन कभी कभी आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली फेवर आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप लोग पढ़ने वाले हो आगे जाकर CFT के अंदर, जहाँ पर पास एक चीज़ आती है CFSE, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उस पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से आपके पास स्क्वायर प्लेनर भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी टेट्राहेड्रल से। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर के ऊपर चला जाएगा। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो बस आप इतना याद रखिए कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो दो बेस के ऊपर बनता है। पहला कौन सा, स्टेरिकली फेवर्ड है कि नहीं है, दूसरा कौन सा कि CFSE उसको फेवर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो या तो CFSE फेवर करेगी तो इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड हो गया, या फिर आपके पास क्या होगा, स्टेरिकली हिंड्रेंस कम होगा, यानी कि स्टेरिकली फेवर्ड हो गया। तो अगर स्टेरिकली फेवर्ड है आपके पास तो आपको वही शेप देखने को मिलती है जो आप लोग वेस्पर के अंदर ऑलरेडी बढ़ चुके हो, क्योंकि वेस्पर के अंदर आप लोग क्या बात करते थे कि हिंड्रेंस आपके पास कम होना चाहिए, मिनिमम रिपल्शन आपके पास वहां पर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास यहां पर कॉम्प्लेक्स के अंदर CFSE है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, तो वहां पर आपके पास जो शेप है वो आपके पास अलग भी हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने CFSE के बारे में पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो आपको इतना पता होगा कि आखिर कौन कौन से जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि CFSE के अंदर आपके पास क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम होने वाला है उसके पास क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, या तो D0 होगी, D1 होगी, D2 होगी, D3 होगी, D4, D5, इस तरह पास होने वाली है D10 तक। अब मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ कि इसके अंदर से कौन कौन से आपके पास CFSE के अंदर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आगे जाकर एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन अभी के लिए आपको जस्ट बता देता हूँ मैं कि इसके अंदर से कौन कौन से CFSE में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं। आपके पास जो यहाँ पर होता है D0, ये आपके पास क्या होती है, CFSE 0 होती है, यानी कि ये आपके पास CFSE में बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। साथ में D10 बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट आपके पास नहीं करने वाला है। साथ में आपके पास यहां पर जो होता है D5, इसके पास आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स लो स्पिन का भी और जो आपके पास हो सकता है हाई स्पिन का भी। तो जो हाई स्पिन वाला होता है आपके पास, ये आपके पास CFSE के अंदर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास लेट से कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं भाई, आपके पास 5D ऑर्बिटल्स हैं। ये आपके पास कुछ बनाए तो इस तरीके से, आपके पास क्या है 5D ऑर्बिटल हैं, ये आपके पास कुछ इस तरीके से होते हैं स्प्लिट, आपके पास यहाँ होते हैं 3 ऑर्बिटल, आपके पास यहाँ पर होते हैं 2 ऑर्बिटल। ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा T2G होगा, आपके पास यहाँ पर क्या होगा EG होगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करते हो, जब आप लोग आगे पढ़ने वाले हो CFT के अंदर तो ऐसे आप लोग करते हो स्प्लिटिंग। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये T2G वाला और ये EG वाला लेट्स से कि कंप्लीटली फील्ड है, दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहां पर, दो यहां पर, तो आपके पास CFSE 0 हो जाती है, राइट। आपके पास CFSE क्या होती है भाई, 0 हो जाती है। यानी कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आपके पास T2G वाला भी कंप्लीटली फिल्ड होगा, EG वाला भी कंप्लीटली फिल्ड होगा, CFSE आपके पास 0 होगी, यानी कि आपके पास यहां पर कोई भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं है। तो उस केस में आपके उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कौन फेवर करने वाला है भाई, वो स्ट्रक्चर होने वाला है आपके पास स्टेरिकली फेवर्ड वाला, आपके पास स्ट्रक्चर उसका बनेगा। अगर आपके पास यहां पर होती है D0, यानी कि आपके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, आपके पास क्या है कंप्लीटली खाली है, तो उस केस में भी आपके पास क्या होने वाली यहां पर CFSE आपके पास 0 ही होती है। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके मेटल के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन है D0, तो वहां पर भी CFSE 0 है और आपके पास जो बनेगी शेप वो बनने वाली है स्टेरिकली फेवर्ड वाली शेप बनेगी। साथ में अगर आपके पास D5 है और हाई स्पिन है, व्हाट डू यू मीन बाय हाई स्पिन, कि आपके पास पेयरिंग नहीं हो रही है, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यानी कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप की अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है आपके मेटल के पास, तो उस केस के अंदर भी आपके पास CFSE क्या होती है 0 होती है, और यहां पर भी आपके पास क्या बनने वाला है स्टेरिकली फेवर्ड वाली शेप बनने वाली है। इन तीनों के अलावा आपके पास जितनी भी अदर कॉन्फ़िगरेशन है वहां पर आप लोग CFSE को कैलकुलेट करते हो, अगर CFSE को कैलकुलेट करते हो और आपको वहां पर ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है तो उस
केस के अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा उसका वो कैसा होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड वाला होने वाला है। तो सीएफएससी कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे जाकर सीखेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए बस याद रखो कि D0, D10 और D5 हाई स्पिन केस के अंदर आपके पास सीएफएससी होती है 0, और उस केस में आपके पास जो शेप बनेगी दैट विल बी स्टेरिकली फेवर्ड शेप। इस पॉइंट को आप याद रखना, अगर आपने ये पॉइंट याद रखा तो आगे जाकर भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी और आज का लेक्चर भी आपको समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बात करते से पहले कि आखिर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 0 वाले कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल हैं या फिर नहीं है। एंड अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 0 है, यानी कि आपके पास जो मेटल है वो किसी भी लिगेंड से जुड़ा ही नहीं हुआ है, तो फिर कैसा कॉम्प्लेक्स सर आप इसको इंक्लूड कर रहे हो? तो भाई इसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि कोई भी लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर तब आपके पास इंक्लूड आप उसको लेकर चलो कि आपके पास जो लिगेंड है, जो मेटल है, इस लिगेंड के थ्रू जो बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग को आप कोऑर्डिनेशन नंबर में तब इंक्लूड करते हो कि बॉन्डिंग होने के बाद आपके पास यहाँ पर जो इन दोनों का इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है वो इन दोनों के रेडियस से क्या हो, कम हो। लेट्स से कि आपके पास कोई एक मेटल का सेंटर है, इसके ऊपर चार्ज क्या एन प्लस है, इसका पास क्या होगा, इनके रेडियस होगा। आपके पास लिगेंड है, इसका भी आपके पास क्या होगा, इनके रेडियस होगा। लेट्स से आपके पास ये क्या है RM, या आपके पास यहाँ पर क्या है RL। तो अगर आपके पास ये जो डिस्टेंस है इंटर आयनिक डिस्टेंस, लेट्स से मैं इसको डी बोल रहा हूँ, अगर आपके पास ये जो डी है अगर ये आपके पास बड़ा होगा RM प्लस RL, यानी कि उस मेटल आयन और उस लिगेंड के जो रेडियस है उन दोनों के सम से अगर ज़्यादा हुआ आपके पास ये इंटर आयन डिस्टेंस, तो उस केस में आपके पास इस बॉन्डिंग के थ्रू जो ये बीच का इंटरेक्शन है इसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड करोगे ही नहीं। इसको इंक्लूड आप तब करते हो जब आपके पास ये जो इंटर आयन डिस्टेंस होता है दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी लेस देन, और आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन RM प्लस RL, यानी कि आपके पास जो मेटल सेंटर है, आपके पास जो लिगेंड है, उनके रेडियाई के समेशन के अगर आपके पास इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होता है तभी वो जो लिगेंड है वो कंट्रीब्यूट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कब कौन सा लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 0 कॉम्प्लेक्सेस आपको बहुत ही कम मिलते हैं, वेरी रेयरली फाउंड, और एल्काइल मेटल इन ज़ियोलाइट हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 0। तो इस एग्जांपल को बस आप लोग याद करना, कभी कभी आपके पास मैच द फॉलोइंग के अंदर या फिर आपके पास कोई MSQ क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपके पास इस स्टेटमेंट का यूज कर वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते है। तो प्लीज इस चीज को नोट कर लेना दैट एल्कलाई मेटल इन ज़ियोलाइट हैव कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 0, यानी कि वहां पर आपके पास जो मेटल है और जो पास लिगेंड है उनके बीच में बॉन्डिंग तो है लेकिन थोड़े थोड़े दूर हैं एक दूसरे से, राइट? कुछ बॉन्डिंग है बट थोड़े थोड़े दूर हैं, यानी कि इनके बीच का जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है दैट विल बी ग्रेटर देन समेशन ऑफ देयर रेडियाई। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर आपके पास इंटर आयन डिस्टेंस लेस देन होगा समेशन ऑफ रेट ऑफ आयन के तो जो लिगेंड है वो कंट्रीब्यूट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर, लेकिन अगर आपके पास ये ज़्यादा होगा तो उस केस में आपके पास कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर थ्रू लिगेंड साइड। तो वहाँ पर ऑफकोर्स उनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है बट वो बॉन्डिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है। आई होप कि ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 0 वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बहुत ही कम होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन होते हैं। एग्जांपल ये रहा एल्कलाई मेटल इन ज़ियोलाइट, इस स्टेटमेंट को प्लीज़ मार्क कर लेना और इसको याद कर लेना, ये आपके एग्जाम के अंदर एज सच आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 1 वाले, तो जो आपके पास होते हैं आयन पेयर इन गैस फेज, एक आपके पास होगा पॉजिटिव आयन, एक आपके पास होगा नेगेटिव आयन, यानी आपके पास क्या बन गया, एक पूरा की पूरा आयनिक पेयर बन गया, राइट? तो एक आयन पेयर इन गैसियस फेज आपके पास क्या होता है भाई, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपके पास, 1 के बराबर होता है। तो इसका भी आप जस्ट एक एग्जांपल याद रखिए, राइट? फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के कॉम्प्लेक्सेस भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लिखा भी हुआ है मैंने, ऑल्दो इट इज रेयर फॉर मोस्ट मेटल्स दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज सरप्राइजिंगली कॉमन फॉर D10 मेटल आयंस। तो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है D10, उस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर मेटल्स के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर प्लस ZN प्लस 2, आपके पास इन दोनों के पास क्या होता है भाई, D10 है। आपके पास ये भी क्या है, D10 है। आपके पास ये भी क्या है, D10 है। कन्फ्यूज मत हो, मैंने बिल्कुल सीरीज़ में लिखा हुआ है इनको। ये आपके पास ऊपर वाले क्या है भाई, दिस इज़ योर 3D सीरीज़ के मेटल्स हैं ये वाले आपके पास, दिस इज़ योर 3D सीरीज़ के मेटल, दिस इज़ योर 4D के एंड दिस इज़ योर 5D के। ये रहा आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ZN, कैडमियम और मरकरी, ZN 2 प्लस, KCD 2 प्लस, HG 2 प्लस, CU प्लस, AG प्लस, AU प्लस, आपके पास सब कैसे होते हैं, आपके पास D10 वाले होते हैं।
और D10 वाले बेसिल आपको क्या दिखाने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने कभी सुना भी होगा कि आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है AUCN2 नेगेटिव, या आपके पास क्या है एक कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला एक कॉम्प्लेक्स है। इन कॉम्प्लेक्सेस को आप आगे देखने वाले हो, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आखिर आपके पास कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर के जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हो सकते हैं और कैसी कैसी वो शेप रख सकते हैं। और जब भी आपके पास यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा D10 वाला, तो आप लोग बता बोल चुके हो कि अगर आपके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो CFSC0 होती है, और अगर आपके पास CFSC0 होती है तो स्ट्रक्चर को कौन डिटरमाइन करेगा, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है स्टेरिकली फेवर्ड वाला स्ट्रक्चर, यानी कि जो आप पढ़ चुके हो वेस्पर के अंदर, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बात करता हूं AUCN2 की स्ट्रक्चर की, तो कैसा बनने वाला है, आपके पास यहां पर बीच में हो गोल्ड का मेटल, आपके पास यहां पर होगा 1 CN, आपके पास यहां पर भी क्या होने वाला है 1 CN, इसके ऊपर 4 आपके पास क्या होने वाला है नेगेटिव। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, दैट इज लीनियर शेप, जहां पर पास लिगेंड क्या है दूसरे से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर यहां पर होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम हो और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या रहे सबसे कम रहे, और एक ऐसा बन जाए पास एक स्टेबल बन जाए। सो एज एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन वेस्पियर कंडीशन और कंसिडरेशन दीज कॉम्प्लेक्सेज हैव द लीनियर यानी कि LML स्ट्रक्चर, एज इस टाइप का पास क्या होने वाला है स्ट्रक्चर होगा लीनियर ML2। तो आई होप कि आपको यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में आपको चीज समझ में आ गई होगी। पहली बात, जिन जिन मेटा सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है D10, सिर्फ आपको वही क्या दिखाने वाले हैं, वही आपको दिखाने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कॉम्प्लेक्सेस मैंने बनाए हुए हैं AUCN2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्कुल होगा लीनियर। इसका लीनियर क्यों होने वाला है, CFSC यहां पर होती है 0, और आपके पास CFSC 0 है तो जो आप पढ़ चुके वेस्पर के अंदर वही आपको बनाना है स्ट्रक्चर। और आपने यहां पर क्या पढ़ा था, आपने यहां पढ़ा था लीनियर ML2 रहेगा, यानी कि आपके पास क्या रहेगा लीनियर स्ट्रक्चर आपके पास यहां पर रहेंगे, जहां पर जो लिगेंड है वो एक दूसरे से क्या रहने वाले हैं बिल्कुल दूर दूर आपके पास यहां पर रहेंगे। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की। सो इट इज ऑल्सो वेरी रेयर, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज एनकाउंटर्ड विद D10 मेटल आयंस सच एज कोपर प्लस और HG2+। नाउ अगेन, अगर D10 की बात हो रही है तो CFSC यहां पर भी 0 हो जाएगी, और अगर यहां पर भी आपके पास CFSC 0 हो गई तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है, वो जो शेप है, वो एक ऐसी शेप बनेगी जहां पर आपके पास जो वो लिगेंड्स हैं एक दूसरे से जितना दूर आप उनको रख सकते हो उतना दूर रहने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास यहां पर 3 लिगेंड है एक मेटल है तो शेप आपके दिमाग में आ गई होगी, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। बाकी मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल भी आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे HGI3 नेगेटिव या फिर PTPH3, आपके पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स, आप लोग याद करना चाहोगे याद कर सकते हो। बाकी आपको देखकर समझ में आ रहा है कि आपके पास यहां पर HG है, आपके पास यहां पर I3 है, एक I के ऊपर चार्ज होता है -1 का, तो अगर एक के ऊपर चार्ज है -1 का तो 3 के ऊपर चार्ज आपस क्या होगा -3 हो जाएगा। लेट्स इसके ऊपर चार्ज क्या आपके पास मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो HG का आपने मान लिया x, आपके पास यहां पर क्या है 3 है आयोडीन, एक के ऊपर चार्ज क्या होता है भाई -1 होता है, बस यहां के साथ चार्ज क्या हो जाएगा 3 × -1, टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आपके पास -1 चार्ज है, तो आपके पास यहां पर क्या निकल गया x + x − 3 = -1, यानी कि x = what -1 + 3, यहां पास क्या आ गया x = आपके पास +2, यानी कि आपके पास यहां पर HG किस फॉर्म के अंदर है, HG+2 की फॉर्म के अंदर है। और आप लोग पढ़ चुके हो कि HG+2 आपके पास क्या होता है D10 कॉन्फ़िगरेशन का होता है, और अगर ये D10 कॉन्फ़िगरेशन का है तो इसकी CFSC 0 है, यानी कि जो इसकी शेप बनने वाली है दैट विल बी स्टेरिकली फेवर्ड, यानी कि क्या बनने वाली आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास यहां पर शेप बनने वाली है। इस तरीके से भी आप जो है वो चीजों को अच्छे से याद कर सकते हो। सो 3 कोऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्सेस ऑलमोस्ट हैव द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वेस्पर मॉडल, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है अगर CFSC 0 होती है तो जो शेप आप लोगों ने वेस्पर के अंदर पढ़ ली है वही शेप्स आपके पास यहां पर भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी आपको वही शेप्स देखने को मिलेगी, कुछ इस टाइप की आपके पास होती है शेप। बीच में रहेगा आपके पास मेटल, ये रहा लिगेंड नंबर 1, ये रहा लिगेंड नंबर 2, और ये आपके पास क्या लिगेंड नंबर 3, यहां पर एंगल आपस क्या होने वाला भाई, दिस इज 120 डिग्री, 120 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस ऑल्सो 120 डिग्री, शेप रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हो। तो ये थी आपके पास कहानी कोऑर्डिनेशन नंबर 0 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की। अब चल रहे हैं हम लोग क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। अगर मैं यहीं पर बात करूं तो मैं इसको मान सकता हूं इस तरीके से भाई, आप बस बीच मेटल रहे, एक लिगेंड यहां पर रहे, एक लिगेंड यहां पर रहे, एक लिगेंड यहां पर रहे, लेकिन इस वाली शेप के अंदर
और इस वाली शेप के अंदर आपके पास जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ये आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप इसको बिल्कुल खारिज कर देते हो और सिर्फ इसको क्या करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो। लेकिन अब जैसे जैसे आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा उस केस में आपके पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा अब वो डिफरेंस कम होता हुआ जाएगा और आपको यहाँ पर अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट्स भी आपको अब देखने को मिलने वाले हैं और ये स्टार्ट होगा आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर आपके पास जनरली 2 कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड 2 कॉमन स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व फॉर 4 कोऑर्डिनेटेड मेटल कॉम्प्लेक्सेस लाइक टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। आपके पास यहाँ पर क्या है, दो शेप्स रहेंगी, टेट्राहेड्रल रहेंगी आपके पास और आपके पास रहने वाली है स्क्वायर प्लेनर। तो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पास टेट्राहेड्रल शेप होती है और ये आपके पास यहाँ पर होती है स्क्वायर प्लेनर शेप। दोनों शेप आपके पास क्या है, अलग अलग है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ टेट्राहेड्रल शेप की, तो इस शेप के अंदर आपके पास जो मेटल है और जो लिगेंड है इनके बीच में आपके पास जो एंगल होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 109 डिग्री। और क्योंकि इनके बीच में एंगल ज्यादा है यानी कि लिगेंड आपके पास क्या यहाँ पर थोड़ा दूर दूर है, तो ये आपके पास क्या होता है भाई, स्टेरिकली फेवर्ड आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर है जो आप लोग पढ़ चुके हो वेस्पर थ्योरी के अंदर भी। लेकिन आपके पास जो होता है स्क्वायर प्लेनर, उस केस में आपके पास ये सब क्या रहेंगे भाई, एक ही प्लेन के अंदर है, राइट, एक ही प्लेन के अंदर है आपके पास सारे के सारे लिगेंड्स और इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल है जो कि ऑफकोर्स आपके पास इससे कम ही है। और अगर आपके पास इससे कम एंगल है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला, थोड़ा एंट्रेंस रहेगा, लेकिन फिर भी आपको शेप देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास CFSC आपके पिक्चर के अंदर आ जाएगी। तो जब भी CFSC के थ्रू आपके स्ट्रेप को स्टेबलाइजेशन मिल रहा होगा तो उस केस में आपके पास जो शेप है वो आपके पास स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। लेकिन ये कब होगी, जब उसके अंदर CFSC होगा। लेकिन आप लोग पढ़ चुके हो कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होता है D0 वाला, D10 वाला और D5 हाई स्पिन वाला, इसके अंदर पास क्या होती है, CFSC आपकी जीरो होती है। यानी कि आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स हुआ जिसके अंदर आपके मेटल के ऊपर कॉन्फिग्रेशन क्या है, D0 है, D10 है या फिर D5 हाई स्पिन है, तो उस केस के अंदर आपके पास शेप क्या हो जाएगी, सीधा सीधा टेट्राहेड्रल ही शेप हो जाएगी। आपको इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर में कब आएगी, जब CFSC पिक्चर में आएगी। और अगर आपके पास CFSC 0 है, जो कि आपके पास होती है D0, D10 और D5 हाई स्पिन केस के अंदर, जहां पर आपके पास लिगेंड ऐसा हो जो पेयरिंग ना कराए, राइट, बस आप इतना याद रखिए कि D5 हाई स्पिन वाले केस में पास क्या होती है, CFSC 0 होती है। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलने वाली है टेट्राहेड्रल शेप। और साथ में आप यहां पर अगर आपके पास लेट्स से जो मेटल है वो आपके पास हुआ नॉन ट्रांजिशन, जैसे कि आपके पास लेट्स से एल्यूमिनियम हुआ, राइट, या आपके पास कैसा एक नॉन ट्रांजिशन मेटल है, आपके पास लेट्स से हुआ Mg, आपके पास हुआ Na, अगर आपके पास ये मेटल होते हैं जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम +3 है, Mg+2 है, सोडियम प्लस है, तो इनकी कॉन्फिगरेशन कैसी होगी आपके पास, ये आपके पास होने वाली नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, राइट। तो या तो आपके पास हो D0, आपके पास हो D10, आपके पास हो D5 हाई स्पिन, या आपके पास कैसी हो भाई, आपके पास हो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो उस केस में आपके पास CFSC पिक्चर में नहीं आती है। और इस टाइप के आपके पास अगर मेटल सेंटर हुए तो आपके पास शेप कैसे होने वाली है, टेट्राहेड्रल आपके पास यहां पर क्या रहने वाली है, शेप होने वाली है। तो मैंने यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है आपके पास कैसे होती है, ये स्टेरिकली फेवर्ड है जो आपने पढ़ चुके हैं वेस्पर के अंदर भी। साथ में अगर आपके पास मेटल के ऊपर है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जैसे कि आपके पास BF4 2 नेगेटिव है, आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा भाई, दिस इज बेरिलियम +2, मेटल ऊपर चार्ज क्या प्लस का 2 है, यहां पास क्या है AlCl4 नेगेटिव, आपके पास यहां पर ये क्या है भाई Al+3 के अंदर, आपके पास इनकी कॉन्फिगरेशन कैसी होगी भाई, नोबल गैस वाली है। और अगर यहां पर नोबल गैस वाली कॉन्फिगरेशन है तो CFSC 0 है। अगर CFSC 0 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, ऑटोमेटिकली टेट्राहेड्रल ही हो जाएगा। या फिर आपके पास क्या हो, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जो आपके पास क्या है D10 है या फिर D0 है, ऑलरेडी बात कर चुका हूं, या फिर आपके पास क्या हो D5 हाई स्पिन हो, क्योंकि इन तीनों केस के यहाँ पास क्या होती है, CFSC आपके पास 0 होती है। एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जैसे कि ZnCl4 2 नेगेटिव, आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि ZnCl4 2 नेगेटिव के आपके पास क्या है, शेप क्या होगी, तो आप कैसे देखोगे भाई, आप पहले चेक करो कि आपके पास जो मेटल है उसके ऊपर कॉन्फिगरेशन क्या है। आपके पास यहाँ पर क्या है, Zn है, Cl4 है, 2 नेगेटिव है, तो आपको निकालना आता होगा कि आपके पास यहाँ पर Zn किसके अंदर है भाई, Zn+2 की फॉर्म के अंदर है, यानी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसका D10 कॉन्फिगरेशन है। अगर D10 कॉन्फिगरेशन आपके पास क्या हो जाएगी, CFSC 0 हो जाएगी। और अगर CFSC आपके पास इक्वल टू 0 है और कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास यहां पर क्या है, 4 है, आपके पास यहां पर क्या है, 4 लिगेंड है, तो आपके पास यहां पर शेप क्या हो जाएगी, सिंपली टेट्राहेड्रल आपके पास सिंपली शेप हो जाएगी। वही जस्ट बातें आपको यहां पर साफ साफ याद रखनी है और वही इस तरीके से आप क्या करते हो भाई, डिफरेंशिएट करते हो। एंड ट्रांजिशन मेटल कैटायन विद अनफेवरेबल CFSC, जिनके आपके पास क्या होती है, CFSC या तो
जीरो हो या फिर बहुत कम हो, बहुत कम वाले केस आगे पढ़ेंगे, या फिर जीरो या फिर बहुत कम हो, उस केस में आपके पास शेप क्या होने वाली है, टेट्राहेड्रल की तरफ आप लोग मूव करोगे। वहीं अगर आपके पास कोई ऐसे मेटल सेंटर हो जिसके अंदर आपके पास क्या होने वाली है, सी एफ एस सी कुछ ना कुछ वैल्यू रखने वाली है, उस केस में आपके पास वो शेप होगी दैट विल बी वर्ड दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड, आपके पास कैसे हो जाएगी फिर वो स्क्वायर प्लेनर आपके पास शेप हो जाएगी। जैसे कि आपके पास होते हैं डी एट कॉम्प्लेक्स, भाई डी एट कॉम्प्लेक्स वालों के केस के अंदर आपके पास सी एफ एस सी बहुत ज़्यादा होती है, आगे पढ़ेंगे इसको, जैसे कि कॉपर प्लस थ्री स्टेट के अंदर है, प्लैटिनियम प्लस टू के अंदर है, पी डी प्लस टू, आर एच प्लस, आई आर प्लस, तो इस टाइप के अगर आपके पास मेटल सेंटर हुए तो उस केस में आपके पास शेप कैसे होने वाली है, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या है, चार के बराबर है। या फिर आपके पास कैसे हो भाई, हैवियर कंजीनर्स हो, जैसे कि आपके पास 4D सीरीज का और आपके पास क्या हो 5D सीरीज का मेटल सेंटर हो, तो उस केस के अंदर भी आपके पास शेप कैसे होने वाली है, आपके पास होने वाली है स्क्वायर प्लेनर शेप। और आपके पास अगर लेट्स से 3D के आपके पास यहां पर क्या है निकल प्लस 2 है, तो आपके पास ये कैसे होने वाला भाई D8 है, अगेन वही बात है D8 आ गया, तो आप कैसे लेकर चलोगे, आप इसको एज ए स्क्वायर प्लेनर आप लेकर चलने वाले हो। साथ में जो आपके पास कैसे होते हैं हाई CFSC मेटल सेंटर है, क्या रखेंगे वो देने वाले आपको इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड शेप यानी कि स्क्वायर प्लेनर ही। साथ में नॉन बल्कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, भाई अगर आपके पास लेट्स से नॉन बल्कि लिगेंड है यानी कि लिगेंड का साइज क्या है बहुत ही छोटा रहता है, तो अगर साइज बहुत छोटा होगा तो उसको हिंडन चार्ज चिंता नहीं है, तो वो कहां पर जाने वाला है, वो जाने वाला है इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड के अंदर। तो मैं यहां बात कर रहा हूं नॉन बल्कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की, आगे पढ़ने वाले हैं कि आखिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसका साइज ही बहुत छोटा है तो उस केस के अंदर भी वो कहां पर जाने वाला है इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा यानी कि स्क्वायर प्लेनर के अंदर ही वो जाने वाला है। साथ में आपके पास जो होते हैं पाई एसिड लिगेंड, भाई जो आपके पास आप तो अगर आपके पास कॉपर प्लस थ्री के अंदर होता है तो यहां पर सीएफएससी रोल करेगी, और अगर आपके पास सीएफएससी का यहां पर रोल आ गया तो उस केस में जो शेप होगी दैट इज व्हाट दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड वाली यानी के स्क्वायर प्लेनर वाली। तो बस ध्यान ये देना है आपको क्या सीएफएससी पिक्चर के अंदर आई है या फिर नहीं आई है, अगर सीएफएससी पिक्चर के अंदर है तो शेप कैसी होगी इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड वाली होगी यानी कि आपके पास स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर आपके पास सीएफएससी जीरो है वो जीरो कब होगी, डी जीरो में जीरो होगी, डी फाइव हाई स्पीड में जीरो होगी और डी टेन में जीरो होगी, या फिर क्या हो जाए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाए उसमें आपके पास क्या होने वाली है वो भी जीरो होने वाली है। तो अगर सीएफएससी जीरो है तो उस केस में क्या होगा, जो शेप आप लोग पढ़ चुके वेस्पर थ्योरी के अंदर वही शेप आपकी पिक्चर के अंदर आ जाएंगी। साथ में मैंने यहां पर लिखे हुए इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी, तो आपके पास यहां पर होती है sp3 और यहां पास होने वाली है dsp2 या फिर sp2d, इनके बारे में बात करने वाले हैं जब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर VBT ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। बाकी अगर याद करना चाहो तो यहाँ पर होते हैं ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल होता है, पीएक्स पीवाई पीजेड, यहाँ पर होता है एस पीएक्स पीवाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, याद करना चाहो तो कर लो, बाकी आगे तो मैं आपको ये चीज़ जो है वो याद करवा ही दूंगा। तो ये आपके पास जो कहानी थी ये आपके पास कहानी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस के अंदर। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, लेकिन उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर शेप्स को जो है वो डिटरमाइन करते हो। मेन खेल सिर्फ इसी का है कि क्या सीएफएससी पिक्चर में आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर पिक्चर में आ गई है सीएफएससी तो आपको जाना है इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर, अगर आपके पास सीएफएससी जीरो है तो आपको जाना है स्टेरिकली फेवर्ड के अंदर जो आप लोग पढ़ चुके ऑलरेडी वेस्पर थ्योरी के अंदर ही। तो अगर आपने अभी तक वेस्पर थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये भी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे समझ में आने लग जाएंगी। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग लेक्चर्स को बस देखते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट भी अपना भेज सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए। आपको लेक्चर अच्छे लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, साथ में आपको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड के साथ, और आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे अकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हो, नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।